हाय फ्रेंड्स, आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं जिसका नाम है इंडियन नेवी। इस इंडियन नेवी में आई हुई वैकेंसी के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो है यहीं पे सॉल्व हो सके। देन अगर कोई क्वेरीज सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जो है एक घंटे के अंदर जो है कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट और कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो ऑफिसर्स के लिए आई हुई है, जिसमें लॉजिस्टिक लॉ कैडरे के लिए आई हुई है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है और जो ब्रांच है कैडरे है वो बेसिकली लॉजिस्टिक आईटी लॉ के लिए है। जहाँ पे जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं 1994 2 जुलाई से बाद के जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेल्स और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन लॉजिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं बीई बीटेक के कैंडिडेट किसी भी डिसिप्लिन में 60% होना चाहिए, या फिर एमबीए कर रखा हो उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से, या फिर बीएससी बीकॉम और बीएससी आईटी कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो कैंडिडेट बी आर्किटेक्चर से हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पे एसएससी एक्स आईटी ग्रुप का है, तो यहाँ पे जो बी ओ बीटेक के टेंथ बी ओ बीटेक के कंप्यूटर साइंस के और आईटी के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, साफ साफ मेंशन है। और एसएससी लॉ के बारे में दिया गया है, इसमें डिग्री इन लॉ चाहिए, यानी कि जो लॉ में डिग्री कर रखे हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। और परसेंटेज भी देखिए दे रखा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है देख लीजिए कितना है। तो आप देखेंगे लॉजिस्टिक की 20 वैकेंसी है और जो एसएससी टेंथ आईटी है उसमें 15 और लॉ में जो है 2 वैकेंसी है। अब बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो देखिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें दे रखा है, मिनिमम हाइट मांग रखी है मेल्स कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे मिनिमम हाइट रखी गई है। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न के कैंडिडेट हैं वो उनकी हाइट भी जो है 155 मांगी गई है, सबके लिए अलग अलग हाइट है, तो 157 जो है मिनिमम रखी गई है। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न के कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग हाइट है। और आई विजन जो है 6x6 होना चाहिए और वर्स्ट कंडीशन 6x12 होना चाहिए, मतलब ऐसा इसमें मेंशन है, देख लेंगे आप आई कंडीशन वगैरह। देन आप बात करते हैं कि क्या सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो सैलरी और रैंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी इनिशियल जो सैलरी है वो 56,000 से लेके 1,00,000 तक हो सकती है। तो यहाँ पे देख लीजिए लेवल 10 से लेके लेवल 12 ए तक जो है यहाँ पे आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी, साथ ही साथ अलग जो प्रिविलेज है वो दिया जाएगा। देन बात करेंगे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे जो है इनिशियली 10 साल के लिए जो जॉब प्रोवाइड की जाती है शॉर्ट सर्विस कमीशन में, बेसिकली इंडियन आर्मी और नेवी वगैरह में, और ये जो है एक्सटेंडेबल है 4 साल तक, मतलब ये परमानेंट जॉब है, ऐसा मत समझिए, इसके बाद भी बहुत सारे स्कोप हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका, परसेंटेज के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उसमें 7 दिन का एसएसबी होता है, तो एसएसबी का जो सेंटर रहेगा आपका बैंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम और कोलकाता रहेगा। ये जो आपका इसका इंटरव्यू एसएसबी वगैरह होगा वो आपका नवंबर 18 से लेके मार्च 19 के बीच में हो सकता है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको सेंटर दे जाएगा कि कौन सा सेंटर चूज करेंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज क्राइटेरिया। तो यहाँ पे 4 दिन का जो है स्टेज है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा। जो एसएसबी है उसमें 5 दिन होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, 2 स्टेज होंगे। स्टेज 1 में जो है डे 1 में जो है आपका 1 दिन का होगा स्टेज 1, और स्टेज 2 जो है 4 दिन का होगा, तो टोटल जो है 5 दिन का होगा, जिसमें आपके स्क्रीनिंग, मतलब जो स्टेज 1 रहेगा उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा, पिक्चर परसेप्शन रहेगा, डिस्कशन टेस्ट रहेगा, ये जो है आपका एसएसबी सेंटर में होगा। देन ये क्वालिफाई करने के बाद जो है आप जो है स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होंगे और उसमें आपको 4 दिन रहना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा 15 सितंबर 2018 से, और लास्ट डेट इसकी जो है आपका 5 अक्टूबर 2018 रहेगी। आप www.joinindianavy.gov.in पे जाके पहले रजिस्टर करेंगे, अगर रजिस्टर नहीं किए हैं देन आप फिर फॉर्म को जो भी उसमें पूछा गया है वो सारा फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहाँ से जाके आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है जहाँ पर आप पूरी क्वेरीज जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।